हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए अब हम कढ़ी बनाने की सामग्री रेडी करते हैं। तो चलिए कढ़ी बनाते हैं। ये मैंने दही ले लिए हैं एक कटोरी के लगभग, और इसमें पानी मिलाते हैं, इसको फेंटते हैं। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट ली हूँ। अब इसमें 4 टीस्पून बेसन मिलाएंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिलाएंगे। बेसन और दही को अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि कुछ भी ना रहे इसमें। बेसन और दही अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने बेसन ले लिया है 1 कटोरी, और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज हम मिला देंगे। इसमें हमने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर रख दिया है, और नमक स्वाद अनुसार और हल्का सा धनिया पाउडर रखे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तब तक हम कढ़ाई में तेल रख के गर्म कर लेते हैं। तब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम बैटर को मिला लेते हैं पकौड़े में। कढ़ी के लिए पकौड़ा इस तरह हमने तैयार कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। कढ़ी के पकौड़ा ब्राउन होने तक पकने देंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं पकौड़े को। अब हम कढ़ी के लिए तेल गर्म कर रहे हैं, और इसमें हम 1 चम्मच जीरा रखेंगे, 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता। अब इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें हमने 2 मीडियम साइज प्याज काटे हुए थे, और हरी मिर्च जितना आपको आवश्यकता उतना डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह भुनेंगे। हरी मिर्च डाल दीजिए, प्याज काट कर हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। और 1 कटोरी में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर ले लिए, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इसको पानी में मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, और इसमें कढ़ी में हल्दी पाउडर ज़्यादा डलता है, तो इसमें 1.5 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर मिलाए हुए हैं। प्याज में हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट हमने डाल दिया धनिया पाउडर का, और इसमें पानी थोड़ा मिला के भूनेंगे। इस कटोरी में हमने हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर खोले थे, उसी कटोरी से हमने कढ़ी में हमने जो घोल के मसाले डाले हैं, उससे कढ़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो आप अभी घोल के डालिएगा तो बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। मसाले हमारे भून रहे हैं। अब इसमें हम लहसुन का मसाला हम रख देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह भून गए हैं। इसमें हम दही और बेसन का कलर रखेंगे। इसमें हमने पानी मिला लिया है 1 लीटर तक। अब इसको चलाते रहेंगे, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हमें चलाना है, ताकि जो हमारा दही है फटे ना। तब उसके बाद हम धीमे आंच पे रख देंगे, जिससे हम चलाएंगे ठहर ठहर के, इसमें एक उबाल आ जाए तब तक हमें चलाना है। और कढ़ी हमारा जितना पकता है उतना टेस्टी बनता है। तो पानी जो है
इसमें ज़्यादा डलता है ताकि ये ज़्यादा बेसन जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसको चलाएंगे धीरे धीरे। आप इसे किसी बड़े चीज़ में बनाइए, कढ़ाई में, क्योंकि इसको चलाना होता है अच्छी तरह। देखिए बस उबाल आने वाला है। कढ़ी में जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए उबाल बस आने वाला है इसमें। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको चलाएंगे धीरे धीरे। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको नमक यूज करना है आप नमक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून। अब इसको चलाएंगे। कढ़ी के लिए आपको जितना भी पानी आवश्यक है कढ़ी आप उतना आप अपने हिसाब से यूज कीजिएगा। गाढ़ा चाहिए तो कम पानी का यूज कीजिएगा और इसको हम 3 मिनट पे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे इसमें उबलते हुए कढ़ी में पकौड़े रख देंगे। ये देखिए कढ़ी हमारा बनके तैयार है और धीमे आंच पे पक गया है अच्छी तरह। और जो इसका लेवल है पकने के बाद ना कम हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे, इसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए कढ़ी हमारा बनके तैयार है और धीमे आंच पे पक गया है अच्छी तरह। और जो इसका लेवल है पकने के बाद ना कम हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, इसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए कढ़ी हमारा बनके तैयार है। आप इसे चावल रोटी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसमें हमने धनिया का पत्ता काट के रख लिया है। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।